उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर पंचायत बोर्ड का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नंबर 5 में नगर पंचायत द्वारा नवनिर्मित 40 दुकानों की बोली एवं टेंडर प्रक्रिया के साथ आम लोगों को आवंटित करना था, परंतु जैसे ही क्षेत्र के तमाम लोग बोली टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नगर पंचायत में पहुंचे तो SDM मनीष विष्ट ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। बोली में भाग लेने वाले लोग मायूस होकर घर लौटे। आपको बता दें कि नगर पंचायत बोर्ड का कार्यकाल आज 12 बजे समाप्त हो रहा है। इस बीच पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह एवं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने SDM को ज्ञापन देकर दुकान आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। हमारी ये मांग है कि जो सजाई बाग की जमीन की नीलामी हो रही है इसको खारिज किया जाए। हाँ, हाई कोर्ट ने अभी सूत्रों से पता चला, स्टे दे दिया। अगर प्रक्रिया दोबारा हो शुरू हो जाए, आप राजी है? नहीं, हम प्रक्रिया नहीं राजी हैं, और हम कभी भविष्य में चेयरमैन आते भी हैं हम वो बोली नहीं करेंगे, खाली 15-16 को देंगे, उसका पार्क बनाएंगे पूरे का, ये वादा करते हैं आपके सामने, भगवान ने कृपा की। लगभग 40-50 से लोग ले जाएंगे, उनको तो रास्ते तो निकलना चाहिए। हाँ, उनको देंगे, उनको देंगे, उनको ठोक के देना चाहिए, उनको पहले ही दे देना चाहिए, बेचारों को, गरीब आदमी, उनको मिलना चाहिए। जिस तरह से DM साहब ने आदेश दिया कि इनको होना चाहिए, लेकिन अचानक निरसन, क्या क्या राज रखे? देखिए, ये माता रानी दुर्गा माता ने कृपा की है, क्योंकि दुर्गा माता के वहाँ से ही तुम पूजा वहाँ सब कुछ लगता है, उनकी जगह को नलाम करोगे तो माता रानी कुछ ना कुछ तो करेगी। कोशिश है कि अतिप्राप्ति नियमावली 2017 के आधार पर हमें 14 सप्ताह का समय चाहिए था, वो 2 सप्ताह पूरे नहीं हुए थे, इस वजह से वो हमें स्थगित करने लगे। नहीं, ऐसा राजनीति में ऐसा कुछ पता है, यह है कि DM साहब ने पहले उसे स्थगित किया था अतिप्राप्ति नियमावली के आधार पर ही, और उन्होंने उसी के आधार पर दोबारा उसे पुनः मतलब वापस किया अपना स्थगित कि आप अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का पूर्णतः पालन करने के बाद ही आप इसको करिएगा, ये बोली से बड़ा टेंडर निकालिएगा। तो लेकिन उसमें हमने देखा अधिप्राप्ति नियमावली पढ़ी तो उसने देखा कि उसने वो पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर रही है, जिस वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। देखिए, वो तो उन्होंने तो अतिक्रमण कर रखा, ठीक है। अब इसमें हम लोग तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगी इसमें, देखिए आगे उनके लिए क्या कर पाते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।